छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अबे यार, एक सेकंड यार। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही यार, ठहरिए जरा बाहर को निकल ले। हेलो, अम्मा अम्मा, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ अम्मा, मैं ठीक हूँ। आप आ रही हैं क्या? आ चुकी हैं अम्मा, आपको दोबारा आने की क्या जरूरत थी? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि अम्मा आपको परेशानी होगी, आप थक जाएंगी ना अम्मा। अच्छा अब आप जब आ चुकी हैं तो मजबूरी है, आ जाएं आ जाएं। ओए ओए, अरे क्या हो गया ससुर जी, हस्बे मामूल मुखी लटकाया हुआ है। अबे हस्बे मामूल क्या मतलब यार? अरे मेरा मतलब है परेशान लग रहे हैं ना। अम्मा आ रही हैं यार। कब? अरे आ चुकी हैं, आ गई हैं, आने वाली हैं बस। अगर आ गई हैं तो उनके आने से आप इतना परेशान क्यों हैं कि आपका मुंह लटक गया? यार तानी बेगम और हनी को फिर नाटक करना पड़ेगा और उनको मनाना इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है यार। ये तो अच्छा ना, इसमें तो हमारा फायदा है। कैसा फायदा भाई? कम से कम हमें तो आराम करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ यार बात तो सही है यार, तू ठीक कह रहा है। तब बस फिर चले, चल के मम्मी जी को बता दे। आ जाए बेगम जी, आपको एक बात बतानी थी। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे भी आपसे एक बात करनी है। अच्छा तो पहले आप बताएं। अम्मा आ रही है। आपको कैसे पता चला? बोला आप, अभी अभी तो मेरी बात हुई है उनसे फोन पे। अच्छा तो फोन उन्होंने आपको भी कर दिया है? अरे भाई वो मेरी अम्मा है, मुझे फोन नहीं करेंगी तो फिर किसको करेंगी? क्या मतलब मेरी अम्मा? क्या हो गया आपको? अरे मेरी अम्मा आ रही हैं बस रास्ते में। नहीं नहीं, अरे भाई मेरी अम्मा आ रही हैं रास्ते में। क्या? या अल्लाह ये क्या मुसीबत हो गई। यही तो परेशानी की बात है। कितनी देर में आ रही हैं आपकी अम्मा? अरे आने वाली होंगी। और आपकी अम्मी? वो भी रास्ते में, बस आने वाली होंगी। क्या करे क्या करे यार, ये तो फंस गए भाई। लगता है अम्मा आ गई। मेरी अम्मा या आपकी अम्मी? अरे भाई ये तो देखकर ही पता चलेगा कि किसकी अम्मी आ गई, जाइए जाकर देखें। अरे किसी की भी होंगी तो अम्मा ही ना। अरे भाई आ जाओ, अरे भाई आ जाओ, कहाँ हो, देखो कौन आया है। बैठे बैठे अम्मी। अरे मेरी अम्मी जान, मेरी जान, मेरी प्यारी नानो आ गई। बहुत मिस किया आपको। सलाम अलैकुम नानो। वालेकुम सलाम। अरे सफर बहुत लंबा था। गुलाम जरा अच्छी सी चाय बना कर ला, और लड्डू तुम जरा बाहर जाकर समोसे ले आओ। अम्मा चलिए ना अंदर चल के आराम से बैठते हैं। अरे जरा सांस तो लेने दे। हाँ तो आप अंदर चल के लंबे लंबे सांस लेंगी ना तो सुकून मिलेगा, चले ना अंदर। तुम्हारी तो समझ ही नहीं आती, कभी इतना प्यार। लड्डू जब समोसे लेकर आओ ना तो कमरे में आकर मेरे पैर दबा दीजिए। नानो मैं दबाऊं पाऊं? नहीं नहीं तुम क्यों दबाओगी, ये दोनों है ना निकम्मे खट्टू रोटियां तोड़ने वाले। अच्छा चले अब तो आए ना, चलिए अंदर चलिए। हाँ अच्छा अंदर आइए, अच्छा मेरी प्यारी अम्मी जान, आइए 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 आइए। ससुर जी ये तो सारी गड़बड़ हो गई, अम्मा तो आपकी आने वाली थी, ये तो मम्मी जी की अम्मी आ गई। वो भी आने वाली है, मर गए फिर तो। लगता है आ गई। तबीयत तो ठीक है ना अम्मा? दादी आपके जोड़ों में दर्द था वो ठीक है, कमर में भी दर्द था, सर में दर्द था, सब ठीक तो है ना? हाँ दादी, अब हमारा मतलब है कि आपका हाल वाल तो सही है ना, मतलब आप सही तो है ना? अरे कमबख्त, अरे मैं क्या अस्पताल से आ रही हूँ, हर कोई ये सवाल किया जा रहा है कैसी है कैसी है कैसी है। अरे नहीं नहीं वो असल में अखलाकन पूछ लिया अम्मा, अखलाक। हनी जरा पानी तो पिला दे मुझे। मैं
ये तानी कहाँ है? वो बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ अम्मा। बेगम बेगम, अरे आगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। तू अभी तक तमीज तहजीब से नहीं जुड़ी है? दुपट्टा नहीं टिकता तेरे सर पे, अंदर क्या कर रही थी? वो मैं वो अम्मा तबीयत खराब थी ना इनकी, तो आराम कर रही थी। अरे हटाओ, सब बहाने हैं, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कैसे घूर रही मेरे बच्चे को है? ऐसे क्या घूर रही है? चल जा, जाकर चाय बना के लेकर आ। ला रही हूँ। जो भी आ रहे वो चाय ही मांग रहे हैं। हैं? और कौन आ गया? वो अम्मा मैं आया। हाँ हाँ हाँ, मैं गया था, वापस आया। जब वापस आया तो मैंने चाय मांगी, जब चाय मांगी तो तानी लेके चाय बना के लेके आई मेरी। हाँ दादी, मैं भी तो यही कह रहा था। ओ, दादी आप चले ना अंदर, अंदर चले आप, वो चाय भैया जी की। मम्मी जी चाय बना के दादी के लिए सीधा कमरे में आना। आ चले 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 चल, आ जा आ जा आ जा। अरे ठहरो भाई, ये भी तो उठाओ जरा। आ जा आ जा आ जा मां, ये फिर तक गोल चक्कर से जाना पड़ेगा। अब क्या करें भाई? मैं बताती हूँ, हम ना दादी को किसी होटल ले जाते हैं। हाँ, और उनको वहीं छोड़ाते हैं। हनी क्या हो गया तुमको, कैसी बातें कर रही हो? यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक कुआं है एक खाई। आप मेरी अम्मी को खाई कह रहे हैं? नहीं, कुआं। ओफो, आप दोनों लड़ना बंद करें भाई। मैं कहता हूँ जब तक उनको छुपा सकते हैं छुपा देते हैं, जब सामने आ जाएंगे तो देख लेंगे। मगर हम इन दोनों को कब तक छुपाएंगे? जब तक हो सका तब तक। देख लो भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप फिक्र ना करें मम्मी जी, मैं हूँ ना। मेरा मतलब मैं और ससुर जी है ना, दोनों मिलके देख लेंगे। मगर पापा, हम इन दोनों को छुपा क्यों रहे? इसलिए कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। लेकिन ससुर जी, हम दोनों तलवारों को अलग अलग तो रख सकते हैं ना। अबे यार मैं मिसाल दे रहा हूँ यार, यहाँ जान पे बनी हुई है, ये मिसालें दे रहे हैं। तानी तानी, अरे भाई लड्डू कहाँ हो तुम लोग? अरे गुलाम, ए गुलाम, कहाँ गया तू? है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तू यहाँ क्या कर रही है? ये मेरी बेटी का घर है, घर हमेशा मर्द का होता है। मगर ये सारी बातें तुम्हें क्या पता? मेरे मुंह न लगना, तेरा बेटा घर दामाद है, मर्द का होता है। ये मुंह है लगना? मुझे भी कोई शौक नहीं तेरे मुंह लगने का। जा जा, कौन लगे तेरे शौक में? हाथ यहाँ से बड़ी आई। चल बड़ी आई। क्या हुआ मिजार, ये यहाँ क्या कर रही है? चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। बेस्ती हो रही है और तू कह रहा अंदर चले? नहीं अम्मा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंदर चल के मंसूबा बनाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ जंग छिड़ी है और तुम्हें मंसूबे बनाने की पड़ी है। निकालो इसको घर से, निकालो निकालो उसको घर से। तुमको भी निकालो। मुझे निकालने वाली ये तो मसला बढ़ते ही चला जा रहा है भाई। बस मैंने कह दिया, आपकी अम्मा को जाना होगा यहाँ से। बेगम देखे ना, ये तो जुल्म है ना भाई। माँ तो माँ होती है, आप अपनी अम्मी को भेज देना। क्या अपने होश में तो है ना आप? अम्मी जान को भेज दें अपनी। मेरा ख्याल है आप दोनों लड़ना बंद करें, और क्योंकि ये मुसीबत हमारे ऊपर आई है तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को ही भगा देते हैं। हाँ मामा, यही आइडिया बेहतर है। देखें सीए की साइट लेने से बेहतर है कि आप दोनों ही कुर्बानी दे दें। हाँ कहती तो ठीक है नहीं। अबे यार ये तो मुसीबत ही हो गई है यार। लेकिन इस मुसीबत को भगाएंगे कैसे? इनको लड़ाएंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, मगर भगा देंगे। अरे भाई कुछ भी करो, मगर मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ बस। मेरी बेटी मुझे भगाना चाह रही है, मैं भी इसको बताती हूँ मैं इसकी माँ हूँ। गुलाम माँ को मुसीबत कहता? अब बताती हूँ मैं उसको। अरे बहन, उस वक्त थोड़ी तूतू में मैं हो गई थी, माफ करना। अरे छोड़ो बहन, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, दफा करो। ये है हमारी औलादे, हम भी उनकी अम्मा है, इन्हें पता चलेगा। हाँ बताना तो पड़ेगा। क्या करें? एक काम करते हैं, इन सबको आपस में लड़वा देते हैं। इससे क्या होगा? इससे योगा जो हमें भगाने का मंसूबा बना रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि करना क्या है। लड्डू भूख लग रही है। वाह भाई वाह। अरे
आज तो खाने का मजा ही आ गया। खाना अभी कहाँ दादी, अभी अभी तो मैं खाना बनाऊंगा, मेरा मतलब है हनी बनाएगी। हाँ अरे क्या कह रहे हो तानी, गुलाम तानी की अम्मा, हम सब ने खाना खा लिया। खा लिया? कब खाया, कैसे खाया, क्या खाया? बिरयानी थी, कोरमा था और मीठे में खीर थी। वाह मजा आ गया भाई। मैं तो हमें क्यों नहीं बुलाया? मैंने उससे पूछा था बेटा, मैंने पूछा तो तानी ने कहा वो दोनों छुप छुप कर खूब खाते हैं। खा लिया होगा? क्या मम्मा ने ऐसा कहा, वो भी मेरे बारे में? और ससुर जी को तो जरा सोचना चाहिए था, उनको तो ख्याल रखना चाहिए था। अरे और तो और, वो गुलाम ने क्या कहा तुम्हारे बारे में सुनो? कहने लगा लड्डू तो बड़ा ही चालाक है, वो हमें भूखा मार देगा, खुद भूखा नहीं रह सकता। भाई झूठ बोले, झूठ बोले, झूठ बोले, झूठ बोले, देख लूंगा मैं, देख लूंगा। अब मजा आएगा, कैसे आग लगेगी। बड़ा मजा आया भाई, ये हुई ना बात। अम्मा सो रही थी, मैंने चुपके चुपके चाय बना ली आपके लिए। वाह भाई वाह, मजा आ गया, क्या उम्दा खाना था। जी भर के खाए, मैं तो पेट में दर्द हो रहा है। खाना कब, कहाँ, कैसा? हनी और लड्डू ने खाना बनाया था, हम सबने मजे से खाया, तुम्हारी अम्मा भी साथ थी मेरे। आप लोगों ने खाना खाया तो हमें क्यों नहीं बुलाया? अरे मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि दोनों ने खाना खा लिया होगा, अक्सर छुप छुप के खा लेते। किसने कहा आपसे ये? हनी ने। लड्डू ने भी नहीं पूछा? उसने कहा कि सुसर जी अक्सर छुप छुप कर तानी के लिए भी खाना बना लेते। देखा आपने, बुलाओ दोनों को। नहीं नहीं, देखो बच्चे बड़े हो गए, हो सकता है तुम लोगों के साथ खुश ना हो। पर अचानक से ऐसी हरकतें कर रहे, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और हनी ने भी नहीं पूछा मुझसे? अरे अब जाने भी दो, वरना बच्चे कहेंगे कि नानी लड़वाने आ गई थी। खैर वो तो आपने करवा दिया। क्या कहा गुलाम तुमने? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अब मैं चलूं? वापस जा रही हैं? बहुत जल्दी है मुझे भेजने की, कमरे में जा रही हूँ, आराम करें, दो घंटे के बाद उठा देना चाय बनाकर, चलती हूँ। बात सुने, ये लोग ऐसा करते हैं, मुझे पता नहीं था। देख लिया, और बनो लड्डू के तरफदार। खैर लड्डू ऐसा नहीं है बेगम। तो क्या हनी ऐसी है? अरे वो बेटी है मेरी। जभी तो कह रहा हूँ। क्या क्या कहा? कुछ नहीं बेगम, लेकिन देखें बात साफ होनी चाहिए, ये जो कुछ हो रहा है ना इसकी बात साफ होनी चाहिए। हाँ चलिए आइए, आइए चल के पूछते हैं दोनों से। चले आइए, आ जाए हो ही जाए। लड्डू क्या है ये, किस तरह बात कर रही हो? हाँ तो आप बस काम बताएं क्या है, ये सब ना पूछे मुझसे। क्या चाहते हो तुम लोग, कब से चल रहा है ये सब? क्या कब से चल रहा है? यही छुप छुप के खाना, हमें ना बताना। ये आप लोग हमसे पूछ रहे हैं? नहीं पड़ोसियों से पूछ रहे हैं। यही बात मैं आपसे पूछता हूँ सुसर जी, कब से चल रहा है ये सब कुछ? ज्यादा जबान ना चला लड्डू, जवाब दो। ये तो कुछ छुप छुप के खाना खाते हैं, ऊपर से हमसे पूछते हैं, हम भूखे मर रहे हैं वहाँ पे। अरे वाह, ये क्या कह रही हो, हम छुप छुप के खाते हैं तुम लोग? आप लोग शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को झूठ बोलते हुए। हाँ वो तो आप लोग को आनी चाहिए। ए हाजी तमीज से बात करो अम्मी से अपनी। ससुर जी आप भी तमीज से बात करें। अच्छा अच्छा बस 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 बस, दोनों अम्मियों को जाने दो फिर फैसला होगा। हाँ हाँ, हाँ देख लेंगे, जाने दे सबको। अरे देख लेंगे, डरते वरते नहीं हम किसी से। ये हूँ हाँ की जंग कितनी, अबे क्या क्यों मायूस बैठा है? अरे जाए ससुर जी यार, इस वक्त चले जाए भाई, परेशान ना करें, घर में वैसे ही जंग चल रही है। मैं परेशान क्यों होता है, मैं हूं ना।
इसी बात का तो दुख है कि आप हैं मगर करते कुछ नहीं है, बस टंगे रहते हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि मैं कुछ करूं? इस घर में सब हुआ लेकिन झगड़ा कभी नहीं हुआ, आज वो भी हो गया। और इस घर के बच्चे इतने चालाक निकलेंगे मुझे नहीं पता। अबे अकल के दुश्मन, ये बच्चों ने कुछ नहीं किया। आपको कैसे पता? ये जो घर में फसाद आया है ना। कौन, आपकी बेगम? हाँ, और तुम्हारी वालदा, इन दोनों ने मिलकर तुम सबको लड़वाने का इरादा किया। मगर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे भाई? जब तुम दोनों ने उन दोनों को भगाने का मंसूबा बनाया था तो उन लोगों ने सुन लिया था। ओ, अब आया समझ में। अब इनको भगा वरना ये लोग दुनिया से भगाने की भी महारत रखते हैं। अब मुझे देख ले। और ठीक है सर जी, आप देखना क्या करता हूँ मैं। ठीक है, मैं जाऊँ अब? हाँ ना भाई, रुके हुए क्यों हो फिर? आप कैसे कह सकते हैं? हाँ ससुर जी, आप इतनी बसुख सी बात कैसे कह सकते हैं? मैं कैसे बताऊं यार। एक काम करो, तुम दोनों को आमने सामने बुलाओ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओके ठीक है, बुलाते हैं। बुलाओ। हाँ तो अम्मा, हमने आपको खाना खिलाया? हाँ नहीं नहीं नहीं। और अम्मी जान, मैंने आपको खाना खिलाया था? वो असल में क्या बताऊं, हद हो गई वैसे। अरे वालदैन तो अपने बच्चों की इसलाह किया करते हैं और एक आप लोग हैं जो लड़वा रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। दादो नानो, आप दोनों ने ऐसा क्यों किया? अब तुम लोग भी तो हमें भगाने के मंसूबे बना रहे थे, हमने सोचा हम भी थोड़ा नाक में दम कर दे, तो इसलिए आपने हमें आपस में लड़वा दिया। हद है भाई वाकई। नहीं नहीं, मैंने नहीं, ये इसकी चाल थी, यही है फसादन। ज्यादा ना बोल, आइडिया किसने दिया था? मेरे ना मतलब यो। हाँ क्या ज्यादा लगी करते लगी। हनी तुम ना करो मगर मुझे करने दो, तुम्हें सवाब मिलेगा और मुझे पैसे। पर ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल नहीं। आप लोग हमें लड़के दिखाएं। हम क्यों लड़के दिखाएं भाई? जल्दी से मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो। लड़की? बेवा बोले बेवा। मुझे ऐसा शौहर चाहिए जो मेरे इशारों पे नाचे। तो आपको शौहर की नहीं रोबोट की जरूरत है। ये गुलाम है। आप मेरी गुलामी में आना पसंद करेंगे? चला जो फड़के दिल मेरा तड़पे। ऐसी लड़की चाहिए जो दिखने में बिल्कुल हूर जैसी हो। आपके भाई को इस जहाने फानी से कूच करना पड़ेगा। ये है बड़े नवाब। हाँ हाँ मैं बड़े नवाब। अगर मेरा और मेरी बहन का वक्त तय हुआ अच्छा नहीं होगा। प्यारे मियाँ का दूसरी शादी का ख्वाब मेरे होते हुए कभी पूरा नहीं हो सकता। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं करते रहते हैं फरियाद। गलगामा के गलगामा।